बहुत सारे फार्मर भाई जानना चाह रहे थे कि रात के टाइम आप अपने फार्म में चिक्स को कैसे रखते हो, तो अभी अंदर आ गया हूँ मैं, पहले दरवाजा बंद कर देता हूँ ये। और भाई अभी दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ, शुरू के दिन हमने लाइट थोड़ी ज्यादा नीचे रखी थी और अब उसको धीरे धीरे ऊपर कर दिया है, तो देख लीजिए आप सबसे पहले। दोस्तों कैमरे में शायद ये लाइट आपको ज्यादा भी लग रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये लाइट पहले से कम है। और ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स के फार्म में छोटे चिक्स केवल इसी वजह से मर जाते हैं, वो शुरू के दिन जितनी लाइट रखते हैं उतनी ही दूसरे दिन रखते हैं, उतनी ही तीसरे दिन रखते हैं, और इसकी वजह से चिक्स के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है उनके ऊपर, तो वो एक दूसरे को चोंच से मारने लग जाते हैं, आपस में लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं, उसमें काफी छोटे चिक्स घायल होकर के मर जाते हैं। और फार्मर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या उनका दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इससे अगर आपको बचना है तो शुरू में ही लाइट को कम करते चलिए। मैं तो आपको यही कहूंगा कि शुरू में आप इस लाइट पर पालिए चिक्स को, जैसी आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद जैसी हमने ये ऊपर लगा रखी है एलईडी बल्ब, इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। हम क्या करेंगे, हम शुरू में ये पीली रोशनी वाले बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, हैलोजन बल्ब का, इसको हमने शुरू में नीचे लगाया था, अब धीरे धीरे इसको ऊपर करते जा रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली शिफ्ट कर देंगे सफेद रोशनी वाले बल्ब पर, ये इमरजेंसी लाइट भी हमने सफेद वाली लगा रखी है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये गलती रिपीट ना करें। अगर आपके फार्म में छोटा चिक्स अवेलेबल है तो आप ये लाइट इस तरह से कम करते जाइए, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। और ये तो वैसे भी देसी चिक्स है, तो देसी चिक्स को आप रात के टाइम कम लाइट भी दोगे तो भी चल जाता है। तो अपने चिक्स में लाइट इतनी रखें कि आपके चिक्स को फीड दिखाई दे और पानी के ड्रिंकर दिखाई दे, इतनी लाइट काफी रहेगी। और बाकी आप भी समझदार हैं, आप अपने हिसाब से लाइट का मैनेजमेंट कर सकते हो। मेरा जो काम था वो बता दिया मैंने आपको, उसके अलावा जो फार्मर समझ जाएंगे वो गलती नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपको लाइट से जुड़ी कुछ और जानकारी भी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको अपने फार्म का पूरा मैनेजमेंट भी दिखाऊंगा और वो चीज आपको सोल्व करके भी दिखाऊंगा। तो नीचे कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो।